सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो यार आई गॉट रेडी और हम लोग भी रेडी हो रहे हैं और ये सब नाश्ता बन रहा है। आज बने डोसे और हम ये वाला बैटर यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा। अभी ट्राई कर सकते हैं, ये पैक वैक हो चुका है सब कुछ। और ये मेडिसिन रख ली हमने क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़रूरी है। एंड इट्स मी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बंद हो जा। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अजमेर। तो हाँ हम लोग जा रहे हैं अजमेर और ये बहुत सडन सा प्लान है। तो चलो हमारा सफर 1 बजे बना। हाँ रात के 1 बजे हम लोगों ने प्लान बनाया अजमेर शरीफ का। तो अब चलते हैं, आपको आप एंड तक जरूर देखना। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ, मेरी आपी ने अरेंजमेंट किया है। ओ वाओ, मम्मी खोलो, ये आपी ने पूरा किया है। इन्होंने कार को पूरा घर की तरह बना दिया है जिससे आसानी से हमारा सफ़र हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी कॉफ हो गया है एंड फीवर भी है। बस दुआ कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, इसलिए थोड़े दिनों से इनएक्टिव थी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग है क्योंकि सुबह का टाइम है। ये जुगाड़ू आइडिया इनका है आपी का, देखो ज़रा आपी ने तो, देखो जरा हमारी आपी ने तो पूरा बेड बना दिया घर को। तो हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारी सेकेंड जर्नी है साथ में। जो हमारी फर्स्ट जर्नी थी वो मसूरी की थी जब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे। तो अब हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ और बहुत ही सडन प्लान था। और आप देख सकते हो कितने आराम से सो रही है आपी और नायक। और कोई बता सकता है ये कार में हम लोग इसे, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हम लोग जाएं। तो पूरी ट्रेन वाली वाइब आ रही है और पूरी रात हम लोग सोए नहीं है। तो अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे और मेरे जीजू ड्राइव कर रहे हैं और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इतना अच्छा व्यू कैप्चर किया है मैंने, देखो इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब बर्ड्स सब साथ में जाते हैं ना तो मुझे देखना अच्छा लगता है। और ये हम हाईवे पर चढ़ चुके हैं और सब नींद में है। देखो इधर आई हूँ और यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है तो हम लोग कुछ भी खा के नहीं निकले थे। तो हम रुके हैं कोई ढाबे पे और सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ का व्यू बहुत 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 प्यारा है। तो मैं आपको पहले व्यू दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, देखो इधर। तो आप देख सकते हो सनराइज कितना अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों के बाद मैं सनराइज़ देख रही हूँ। एंड दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छी है। तो चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। सो इट्स स्टार्टेड और अब है चाय टाइम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यस। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया जो मैं घर से बना के लेकर आई थी। तो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या टाइम हो रहा है फिलहाल बताओ। So guys, please subscribe to our channels and do like, share and comment. तो अब चलते हैं हम लोग एंड दिस वॉज आवर फर्स्ट स्टॉप। तो हमारा सफ़र खैरियत से हो, अच्छे से हो। तो सर हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। प्लान था ना अजमेर जाने का और यहाँ पे कोई व्लॉग बना रहा है अपना। सडन था कि बस फराज ने मुझसे बोला है रात। मैं गरीब इंसान, मेरे पास नेट नहीं है। गरीबों के पास आईफोन है पर नेट नहीं है। पर आप ही नहीं पर बेचारे, ये तो ये लोग कुछ मजा नहीं कर रहे हैं और हम दोनों ही सिर्फ मजे उठा रहे हैं हर चीज के। अब वाह बाबू, दिखाओ अपने कपड़े, दिखाओ कपड़े पहन लिए तूने। आयत सबको हाय बोलो। सेम सेम आयत, नानी और तुम सेम सेम। केजीएन मतलब खोजा गरीब नवाज। मेरी प्याली शायद मेहंदी लगाई है। ये है खतरों के खिलाड़ी, बेचारों को जगह नहीं मिली इसलिए लटक के जा रहे हैं। ये तो आम बात है यार, गाड़ी तो किसी तेज चला रहा है। इसको जयपुर पहुंचना है पता है, बट पता नहीं इतना रिस्क क्यों लेते हैं। ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज
आवर सेकेंड स्टॉप और अब हम लंच करेंगे। आयो से हाय। हाय। और कितना टाइम लगेगा? इसमें अब मैं अजमेर पहुँचने में कम से कम 2.5 to 3 hours तो लग ही जाएंगे। 3 hours तो अभी 3 hours और लगेंगे हमें अजमेर पहुँचने में, तो स्टे ट्यून्ड। नानू और आयु ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये तबीयत ख़राब हुई है मेरी थकन की वजह से, क्योंकि अभी हम आगरा गए थे शादी में, वहाँ पे मैंने इतना इन्जॉय किया शादी में, उसमें 3-4 रात सोई नहीं। लिटरली मैंने इतना डांस किया, इतना इन्जॉय किया मेरे कजिन्स के साथ। देन आगरा टू देन अगेन वी केम बैक टू नोएडा। हम नोएडा से हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ, तो इस वजह से टायर्डनेस की वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो बस आई होप जल्दी से जल्द सही हो जाए। और हम पहुँचने वाले हैं जयपुर, तो वी आर अबाउट टू रीच। और ये रोड ट्रिप काफ़ी अच्छी जा रही है हमारी। क्या हुआ, थक गई? थैंक यू। नानी और नामाजी दोनों तीन। तो हमने लंच सब कर लिया था। हम कहाँ पहुँचे? अजमेर, अभी अजमेर 65 किलोमीटर। अच्छा, तो हम आए ये 3rd stop पे। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं सो रही थी। बस यही चाहिए था भाई, बस यही। So got some snacks because lunch करके time हो चुका है, तो हम अब snacks खाएंगे। और आयत को तो ice cream चाहिए। I came reached and हमने room भी ले लिया। अब हम जा रहे हैं अंदर, booking कराने जा रहे हैं registration। तो registration is done और हम ऐसी होटल देख रहे हैं जहाँ पे उनकी खुद की पार्किंग हो, जिससे हमें आसानी हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ से थोड़ी सी दरगाह दूर है, कोई नहीं। दिस वॉज माई आउटफिट, फुल ऑन अजमेर वाइब आ रही है। और ये हमने रूम लिया है, बस सही है, ठीक ठाक है, अच्छा है। एंड हियर आई गॉट रेडी। थोड़ी देर हम सब सो गए थे। एंड दिस इज माई टुडेज लुक। और बाकी सब लोग भी रेडी हो रहे हैं, तो बस अब निकलेंगे हम, देखते हैं प्लान बन रहा है। गुल्लू सो रहे हैं जैसे नॉनी पूरी ड्राइविंग की थी। एंड एज यूजुअल मम्मी हमारा वेट कर रही है। तो हम लोग जा रहे हैं अब तारा घर, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब निकल ही रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर आके हमने आराम किया, अब चलो चलते हैं। अभी तक डिस्कशन चल रहा है कि हम कहाँ पे जाएं, एंड वी चेंज आवर प्लान। और ये है अजमेर शरीफ का गेट। एंड जब डार्ट जयपुर आए थे तो वो ये जूती मेरे लिए लेके आए थे। हम जा रहे हैं पहले हाजिरी लगाने, क्योंकि मेन पर्पस है यहाँ पे आने का वही, तो जिस काम से आए पहले वो काम करना चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे अजमेर शरीफ का बाज़ार शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा है। और जब भी आप आए यहाँ पे तो अपने सामान की, जैसे कि बैग, मोबाइल, एवरीथिंग, उस सब का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे चोरी वोरी होती रहती है। और हम यहाँ पे ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने खड़े हुए हैं, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ ज़ियारत कीजिए।